देखो देखो कितना इतना सटीक तरीके से निकलना पड़ता। चार तक होगा, तीन चार होगा। तो सबका स्वागत है मेरा और एक न्यू वीडियो में। तो आज हमारे बिस्तरा बनाने का लास्ट दिन है, यानी कि आज बीस डाला जाएगा बिस्तरा में। तो देख सकते हो गाड़ी अभी रोटावेटर लगा के निकल एकदम कंप्लीट हो चुका है। अभी एडजस्टमेंट थोड़ा बहुत बाकी है, वो अगर हो जाएगा तो कंप्लीट हो जाएगा। तो निकलने वाला थे तब देखा कि गाड़ी में तेल उतना नहीं है, एकदम एक दाग है, तो इसलिए हम लोग अभी टैंकी को ओपन कर लिए है। देख सकते हो कैप तब यहाँ पर ओपन कर लिए है। अभी यहाँ पर हमारे 30 लीटर का एक कैन है, 30 लीटर का। तो उसमें अभी डालेंगे डीजल, डालेंगे 30 लीटर और लगभग 5 लीटर के लगभग था टैंकी में, तो 35 लीटर हो जाएगा। तो आराम से हमारा जो काम है तो हो जाएगा। देख सकते हो पीछे रोड, तो यहाँ पर देख सकते हो अभी, तो देख सकते हो कि अभी यहाँ पर ऑयल डालना चल रहा है, एकदम पानी के जैसा लग रहा है। काश अगर पानी से चलता तो बहुत ही अच्छा लगता, पर क्या करे, यहाँ पर देख सकते हो थोड़ा बहुत गिर गया है। तो ये वाला कैन मेरे को बहुत अच्छा नहीं लगता है। इसके एक छोटा वाला कैन होता है 20 लीटर का, वो बहुत अच्छा डीजल डालने में के लिए बहुत अच्छा लगता है वो। अभी 30 लीटर जाएगा इसके अंदर, यहाँ पर देखते स्टिकरिंग वगैरह। तो अभी देख सकते अभी तेल डालना कंप्लीट हो चुका है। अभी एक भूल गया था, कैप लगाना बाकी था, तो कैप लगाते पहले। ये चीज ख्याल रखना, कभी कभी ऐसा गलती हो जाता है। तो अभी चाबी को इंसर्ट करते हैं और देखते हैं कितना हुआ है। चार दाग होगा, तीन चार होगा, चार दाग, हाँ पांच था। और ये 35 तो दिखाता नहीं, यहाँ पर 10 लीटर का एक दाग होता है, तो इसलिए अभी 40 दिखा रहा है। अभी स्टार्ट करते हैं और पीछे एडजस्ट करते हैं रोटावेटर को। तो चलिए अभी खेत की तरफ चलते हैं, खाई के पहले नंबर पर लगाते हैं। ऐसा देख रहे हो ना आप लोग कितना ज्यादा घास वगैरह है यहाँ पर। देखो देखो कितना इतना सटीक तरीके से निकालना पड़ता है गाड़ी। तो चलिए पहले खेत पर चलते हैं, फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ।